है कि फिल्म KGF 2 में अधीरा का कॉस्ट्यूम क्यों है इतना खास, और क्या आप जानते हैं कि फिल्म KGF चैप्टर 2 की शूटिंग कहाँ और कैसे हुई थी, और आखिर क्यों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने जूनियर आर्टिस्ट बीमार हो रहे थे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नंबर 8, क्या आपको पता है कि KGF चैप्टर 2 120 करोड़ के भारी बजट के साथ पूरे देश में 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में 7500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। नंबर 7, 120 करोड़ के बजट वाली KGF चैप्टर 2 मूवी के ट्रेलर ने ही पूरे यूट्यूब पर बवाल मचा कर रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी की वजह से रॉकी भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किरेगिंदर को कर्नाटका स्टेट के एंटी टोबैको विभाग ने एक लीगल नोटिस भेजा था, क्योंकि फिल्म में भारी मात्रा में सिगरेट, हुक्का और शराब जैसे अनहेल्दी चीजों को यूज करने के बावजूद फिल्म के पोस्टर और न ही ट्रेलर में एंटी टोबैको जैसे किसी भी प्रकार का कोई नोटिस लगाया गया था। नंबर 6, KGF देखने के बाद कई लोग ये जानना चाहते थे कि क्या रियल में एक KGF है, तो इसका जवाब है हाँ। KGF एक गोल्ड माइनिंग एरिया है। KGF की शूटिंग रियल KGF में ही हुई है, जिसे गोल्ड हीवन भी कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ माइनिंग नहीं होती। नंबर 5, KGF फिल्म 1950 से 1970 के दशक को दर्शाती है, इसलिए फिल्म को रियलिस्टिक दिखाने के लिए फिल्म की कई सारी शूटिंग रियल KGF में ही हुई है। मतलब बंद पड़ी KGF कोलार गोल्ड फील्ड पर ही बहुत बड़ा सेट बनाया गया था, लेकिन मेकर्स के लिए साइनाइड के पहाड़ों में शूटिंग करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ माइनिंग के दौरान भारी मात्रा में साइनाइड का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। इसलिए मेकर्स यहाँ 10 दिन से ज्यादा शूट कर ही नहीं पाते, और कई मर्तबा तो तेज हवा चलने की वजह से शूटिंग को बीच में ही बंद करना पड़ता था। नंबर 4, KGF चैप्टर 2 में लीड एक्टर्स के अलावा 750 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। अक्सर चिलचिलाती धूप और साइनाइड की वजह से कई जूनियर आर्टिस्ट बीमार भी पड़ जाते थे, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने पहले ही सभी जूनियर आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवाया था। नंबर 3, KGF चैप्टर 2 फिल्म को सिनेमेटोग्राफर भुवन गावड़ा ने शूट किया है। भुवन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने के लिए 40 किलो के एरी एलेक्सा FXT कैमरा को अपने कांधों पर रखकर फिल्म को शूट किया है। वो चाहते तो किसी हैंडलिंग इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो फिल्म का हर शॉट परफेक्टली शूट करना चाहते थे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए इसी तरह के कई महंगे और भारी भरकम कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, बात करें KGF चैप्टर 2 के विलन यानी अधीरा के कॉस्ट्यूम की, तो फिल्म में संजय दत्त ने विलन यानी अधीरा का रोल प्ले किया है, जिसके लिए संजय दत्त को लंबी चोटी और एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता, जो लेदर, स्वेट, कॉटन और जूट से तैयार किया गया था। इस एक सूट का वजन 25 किलोग्राम है। अधीरा का लुक डिजाइन करने वाले नवीन शेट्टी ने बताया, संजय दत्त ने बीमार होने के बावजूद भी बॉडी डबल लेने से मना कर दिया और 25 किलो के भारी भरकम सूट के साथ फिल्म के सारे सीन्स खुद किए हैं। इसी तरह यश ने भी पूरी मेहनत के साथ सारे सीन्स और स्टंट्स खुद ही किए हैं। नंबर 1, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि KGF के काफी सारे फेमस डायलॉग्स भी खुद यश ने ही लिखे हैं। यश ने KGF चैप्टर 2 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और उनकी ये मेहनत पर्दे पर दिख भी रही है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में भी शाउट आउट मिलेगा, और इसी के साथ उसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी शाउट आउट दिया जाएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर भर कर कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उस कमेंट को मेरे चैनल पर पिन किया जाएगा, तो अपना गिफ्ट लेना मत भूलिएगा और भर भर के कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिन जो करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।